ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल मुरब्बा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे अर्के गुलाब। ये अर्के गुलाब है, रोज़ वाटर। ये बस चंद ml, मतलब 50 से 100 ml डालना है। तैयार है, अभी हम इसे थोड़ा सा रखेंगे, अभी उतारेंगे इसको। लीजिए नाजरीन, मुरब्बा हमारा तैयार है। अभी हम इसको चख के देखें, ये बेहतरीन मुरब्बा बना है, यही इसका बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन मुरब्बा बना है, तो आप भी ये बना के घर में ट्राई करें। सबसे बेहतरीन तरीका इसका यही है बनाने का। तो इंशाल्लाह फिर किसी और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे आप लोगों की खिदमत में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम एक बेहतरीन रेसिपी के साथ अपनी खिदमत में हाजिर हुए। आज हम सेब का मुरब्बा बना रहे हैं, तो ये बड़ा ही बेहतरीन रेसिपी है। इंशाल्लाह ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें अज्जा। जो सबसे पहले इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। यूज़ हमने इसमें 4 गिलास पानी डाला। तो अभी यहाँ पर 2 किलो सेब, तो उससे पहले सेब से पहले हम यहाँ पर चीनी 1 किलो हम लोगों ने ली है। तो चीनी इसमें 1 किलो पहले इसकी चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, तो हम इसका चंद मिनटों के लिए इसको छोड़ेंगे। बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें सेब डालेंगे। तो ये याद रखिएगा, 1 किलो चीनी और 2 किलो सेब,
छिलकों के साथ ये 2 किलो थे, साफ करके तो 1 किलो चीनी के शीरे में अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे तक यूँ पकने देंगे, ये गल जाए। इसमें अभी उबाल आ चुका है, वक्फे वक्फे से थोड़ा सा हल्का घुमाते रहें। नज़र इसकी आग भी तेज़ रखनी है और वक्त वक्त से लाते जाएँ, इससे ये सेब जो है अभी रस खींच रहे हैं, तैयार।